राजधानी लखनऊ में महानद्योगी सेवा दल भारत का पहला सम्मेलन गोमती नगर में 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चला। इस सम्मेलन में लखनऊ के अलावा 17 राज्यों के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। महानद्योगी सेवा दल की स्थापना 2021 में की गई थी, लेकिन अपने कार्यों के चलते यह सेवा दल लोगों में अपनी पहचान बहुत जल्द बना रहा है। इस सम्मेलन के समापन पर महानद्योगी सेवा दल भारत के अजीत सिंह चौहान संस्थापक, तरसेम सिंह मन्हास जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्रीमती ऐश्वर्या अध्यक्ष नॉर्थ ईस्ट महिला, श्री संतोष सिंह परमार, श्री सुनीत निर्माणा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर अपने संगठनों के बारे में बताया। दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा के नीचे आपने माल्यार्पण किया, क्या कुछ करने लखनऊ में आए हैं और अब किस संस्था से आप जुड़े हुए हैं उसके बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए। जी मैडम, पहले तो जितने भी लखनऊ के पत्रकार हमारे भाई हैं, बहने हैं, उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा संगठन महंत योगी सेवा दल भारत है। ये संगठन के जो संस्थापक हैं अजीत सिंह चौहान जी, ये सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो मैं उनका नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। मैं जम्मू से हूँ बेसिकली, और ये हमारी मैडम जो नेशनल सेक्रेटरी हैं, ये ऐश्वर्या जी, ये गोवा से आई हैं। ऐसे दिल्ली से हमारे भाई ये दिल्ली अध्यक्ष हैं, और भी थे। हमें 3 दिन हो गए हैं जहाँ आए हुए, तो 65 के करीब हमारे जो सीनियर जो पदाधिकारी थे, चाहे मैनपुरी, फिरोजाबाद, अलग अलग सराउंडिंग जिले से आए हुए थे, तो वो निकल गए हैं, कल चले गए हैं वापस। तो हम भी क्लोजिंग कर रहे थे, तो हमारा एक विचार आया कि जहाँ क्यों नहीं हो कि ऐसा हम लोग रूबरू हो जाएं, तो दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन भी हो जाएं, तो हम उनको नमन भी कर लें। तो फर्स्ट सम्मेलन जो हमने रखा, ये लखनऊ में रखा है, ये हमारा पहला सम्मेलन है, महंत योगी सेवा दल भारत का पहला सम्मेलन इसलिए रखा है कि ये हमारी जो भूमि है, ये श्री रामचंद्र जी की भूमि है। तो हम शुरुआत इन्हीं के नाम पे हमने संगठन तैयार किया है, और पहली शुरुआत यहाँ से ही करें कि पब्लिक के बीच में एक ऐसा मैसेज जाए। साधु संत जिन्होंने काफ़ी लोगों को उजागर करते रहते हैं, है ना, तो हमारा मेन जो उद्देश्य है वुमेन एम्पावरमेंट, नशा मुक्ति अभियान इसलिए चलाना है पूरे देश में कि यूथ जो नशा है वो एक दीमक की तरह लगा हुआ है, तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोग जो हैं वो नशे की तरफ भी ध्यान है उनका, तो हम ऐसे ऐसे कोई अवेयरनेस प्रोग्राम करें कि उनको कम से कम छुड़ाएं, नशे से दूर करें। उससे क्या होगा, देश को मजबूती मिलेगी, देश को मजबूती मिलेगी तो देश भी सुरक्षित होगा। इसके साथ साथ हमारी जो वीरांगनाएँ हैं जो शहीद हो जाते हैं, वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ किस्म के माहौल ही ऐसे चल रहे हैं, आपने देखा दिन ब दिन, कोई आर्मी वाला, कोई बेल्ट फोर्स, कोई पुलिस वाला, कुछ ऐसे, वो उनके जो परिवार हैं उनके घरों में जा करके हम लोग उनका मान सम्मान करते हैं, ये भी एक, क्योंकि उनको मोटिवेशनल थोड़ा मुराल अप करना हमारा फर्ज बनता है, वो हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो और काम है, जो द्रोर हैं हमारी, उनको बनी तो हैं, क्योंकि ये बेसिकली मंदिरों का ही ये पूरा था, है ना, तो उनको बचाव करना है, बचाव बहुत कम हो रहा है इसका, उसकी रक्षा कैसे हो, अगर कोई प्रॉपर नहीं करता हो तो उसके मुद्दे उठाने चाहिए, ये लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं। प्रदेश सरकार से कोई मांग भी है आपकी? अच्छा, प्रदेश सरकार से मांग ये हम लोग करते हैं कि पूरे भारत में, वैसे तो हमारी सबकी जो इच्छाएँ थी बाबा जी के दर्शन करने थे, महंत योगी जी जो हमारे आत्मीय जो हैं उनसे, लेकिन नहीं मिल पाए किसी ना किसी, और दूसरा हमें आज ही पता चला कि प्रधानमंत्री जी की माता जी का भी देहांत हो गया, बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। हम यही कामना करते हैं कि बाद भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और अपने हम प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, और उनको भी इतनी शक्ति दें कि हमारे पूरे देश को और मजबूती के रास्ते पर ले जाएँ। मैम, आप महिला हैं और आपके इस संस्था में महिला सशक्तिकरण भी एक मुद्दा है, तो आप महिला सशक्तिकरण में क्या क्या करेंगी आगे, जो महिलाओं की मदद कर सके, जैसे और आप महिलाएं आपके संगठन से किस प्रकार जुड़ सकते हैं? जैसे कि सबको पता है आज महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार भी बहुत सारे प्रोग्राम्स और योजनाएँ पूरी इंडिया भर लगा रहे हैं, तो थोड़े बहुत ऐसे गाँव हैं जहाँ पर आवाज़ नहीं जाती है सरकार की, तो वहाँ पर हम लोग सभी महिलाओं को जुड़वा रहे हैं, यहाँ तक कि उत्तराखंड में हैं, आसाम से हैं, गोवा से भी बहुत सारी महिलाएं ज्वाइन हो चुकी हैं,
दिल्ली से है, उत्तर प्रदेश से है, ऐसे बहुत सारे हर स्टेट से मतलब लोग जुड़ रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि महिलाएं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए और जहाँ कहाँ हमारी आवाज़ या फिर सरकार की आवाज़ नहीं जाती है तो हम लोग खुद होकर आवाज़ होकर सरकार की आगे तक बढ़ जाए। तो मेरी तो इच्छा है कि हर जगह, हर घर में, हर गांव में, हर क्षेत्र में जो महिला पीछे है वो आगे आए और ये संगठन मजबूत करे और अपना जो सरकार का जो नारा है महिला सशक्तिकरण का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा हम लोग आगे आकर हमारा संगठन 17 राज्यों में जुड़ा हुआ है, गोवा में, आसाम में, छत्तीसगढ़, बिहार, कश्मीर, विभिन्न जगह पर जुड़ा, उत्तराखंड वगैरह कई जगह जुड़ा हुआ है। हमारी यही प्रयास है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्फत ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ के, और इसमें सबसे अहम मुद्दा हमारा जो है वो महिला सशक्तिकरण और हर घर तक पहुंचना है, हर जमीन तक ये पहुंचाना है। जो महिलाओं के साथ आज अत्याचार हो रहे वो नहीं चलेगा। अपनी संस्था के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं इतना पहले अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम संतोष कुमार है, दिल्ली से, दिल्ली प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मैं यही अपनी संस्था से के बारे में लोगों से कहना चाहूँगा कि हमने अभी नई शुरुआत की है, नए संगठन की, और हमारा पहला जो वो था हमारा सम्मेलन यहाँ पर, तो इसमें हमें काफ़ी प्यार और सम्मान मिला, यहाँ से हमें लोगों ने हमारी बहुत काफ़ी मदद की और काफ़ी सारे लोग यहाँ से एकत्रित किए और हर तरीके से हमारा सम्मान भी किया गया। तो मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और अपनी महिलाओं को जो सम्मान में कमी आ रही है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, उनकी सपोर्ट करें और जो बहुत सारे बुजुर्ग हैं उन लोगों को भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो वहाँ कहीं भी उनको कोई समस्या होती है तो हम लोग कोशिश करेंगे उनको अच्छे से, उनको जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरी। जैसे कि आपका संगठन 17 राज्यों तक जुड़ा हुआ है, तो क्या वहाँ की राज्य सरकारों से आप अपने संगठन के लिए कुछ मदद मांग रहे हैं ताकि आप लोगों का आगे मतलब विकास करें या उनको जिनको मदद की जरूरत है उनको मदद करें? अपना परिचय बताने देना चाहता हूँ। मेरा नाम सुनील सिंह निमराना है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है मेरा और महंत योगी सेवा दल के माध्यम से हम संगठन में जुड़े हुए हैं और बाकी अभी हमारा ये जो प्रोग्राम था बहुत सफल हुआ और हम आगे आने वाले समय में जहाँ जहाँ हमारे पदाधिकारी जुड़े हैं, दिल्ली स्टेट जितने भी राज्य हैं वहाँ पर मजबूती के साथ काम करेंगे और हमारे युवा भाई कहीं ना कहीं नशे की लत में पड़े हुए हैं उनको भी जागरूकता के तहत अपना कल देशप्रदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।